अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं सैयद शुएब अली और एक न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। और आज हम जहां मौजूद हैं वो हैं शाह फैसल नंबर 2 में। और यहां पे हमें एक अंकल का पता चला था जो यहां पे मैक्रोनी और सिंगापुरियन राइस वगैरह बहुत अच्छे बनाते हैं, तो इसीलिए हमने वो सर्च करते हुए हम लोग यहाँ पे आए और हमें अंकल से मिले। तो अभी हम जो है यहाँ पे सिंगापुरियन राइस ट्राई करने वाले हैं, जो अभी यहाँ के सबसे फेमस है अंकल के, बहुत अच्छे बनाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि लाइव बनाते हैं। तो चलें देखते हैं, अंकल से थोड़ी बात भी करेंगे, उनका तरीका भी पूछेंगे कि किस तरीके से अंकल बनाते हैं और यहाँ पे उन्होंने कब से शुरू किया ये काम और किस तरीके से बना रहे हैं, वो डिटेल में आपको पूरी वीडियो हम दिखाएंगे। तो चलें चलते हैं अंकल के पास, थोड़ी बात भी करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से बना रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सके और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चले चलते हैं अंकल से बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो बना रहे हैं। अच्छा, सिंगापुर राइस बनने की तैयारी चल रही है। ये हमने अभी ये ऑयल डाला है, उसके बाद हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। उसके बाद मैं ये प्याज डाल रहा हूँ, ओनियन, इसको थोड़ा सौते करूंगा मैं। ये मैंने चिकन स्टॉक डाला है अभी थोड़ा सा प्याज को सौते करने के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें तेल बहुत कम रखते हैं खानों में ना। मिर्च रेडी किए, ये प्याज सौते हो गई, अब ये मैं शिमला मिर्च डालूंगा इसमें। मेरी बनी हुई है, पका के रखी हुई है तैयार करके, और एक ये मेरा सॉस है जो मैं घर पे बनाता हूँ। ये सोया सॉस, ये थोड़ा सा सिरका, ये चिकन स्टॉक, अब मैं मसाले डाल रहा हूँ, सॉल्ट, ये थिकनेस के लिए जो है मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगा। सिंगापुरियन राइस का एक सॉस तैयार कर दिया है मैंने, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीजें मैं तैयार करूंगा, राइस डालूंगा, एक हमारा डायनामाइट सॉस है वो डालते हैं साथ, ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, और अब मैं राइस तैयार करूंगा। ये प्लेन बॉयल राइस है मेरे पास, इसमें हल्की सी व्हाइट पेपर और ये थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए राइस को, और हल्का सा इसको सौते करके हम
इनबॉक्स करेंगे। 1000 ml का बॉक्स है जो हम पूरा फुल करके बना के देते हैं। ये नूडल्स हैं जिसको मैं अभी डालूंगा उसमें। ये सोया सॉस थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है मैंने ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा एनहांस हो जाए। ये हमारा डायनामाइट सॉस है जो इसमें डाला जा रहा है। ये इसमें डालेंगे नूडल्स। जी सर। अच्छा, एक मैक्रोनी। ये आपका रेडी हो गया। नूडल की भी वैरायटी है यहाँ पे। अंकल नूडल्स बना रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से यार। मैं तो अंकल का फैन हो गया हूँ क्योंकि वो जिस तरीके से लाइव बना रहे हैं वो बहुत ही कोई यम्मी लग रहा है देखने में। तो अभी ट्राई करेंगे हम खा के फिर किस तरीके का अंकल का टेस्ट क्या है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जरूर आएंगे। तो अब हम घर जाके ये चेक करेंगे कि अंकल की जो मैक्रोनी और जो हम चाउमीन ले रहे हैं और चिकन फ्राइड राइस ले रहे हैं वो कैसी है। अभी अंकल बना रहे हैं मैक्रोनी, तो लग तो बहुत यम्मी रहा है देखने से, मुंह में पानी आ रहा है, तो इंशाल्लाह अच्छा भी होगा टेस्ट। अभी हम मौजूद कहाँ हैं? 3 नंबर चरंगी पे है ना, नहीं 2 नंबर चरंगी पे है। अंकल आप कब से लगा रहे हैं ये यहाँ पर? मेरे को 1.5 महीना हुआ है और पहले मैं संगम सेना के पास लगा रहा 3-4 महीने। अच्छा, पहले हम तारीख रोड से काम कर रहे थे और अब यहाँ पे करने का। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये जो है वो अल्लाह वाली चरंगी आई थिंक बोल रहे हैं, ये नाम लगे हुए यहाँ पे अल्लाह के, और 2 नंबर चरंगी है ये। तो मैक्रोनी जो है वो रेडी होती जा रही है। तो चलिए, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि क्लब स्टाइल से अंकल ने बनाया और ये लाइव जो उन्होंने सिंगापुरियन राइस बनाए हैं वो भी मुझे काफी अच्छे लगे क्योंकि ज्यादातर हमने जो खाए हैं वो रेस्टोरेंट वगैरह के खाए, लेकिन अभी ये फूड लाइव जो उन्होंने बनाया है, लाइव कुकिंग जो उन्होंने करी है वो वाकई में अमेजिंग है और इस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा बनाई है। अब खा के टेस्ट करेंगे कि किस तरह की बनाया है, किस तरह का टेस्ट है, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आएंगे और आप लोगों से भी कहेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे आके ट्राई जरूर करें क्योंकि अंकल जिस तरीके से बना रहे हैं उस हिसाब से टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग है। मैक्रोनी भी तैयार हो गई। ओ लुक सो यम्मी। हां, क्वांटिटी वाकई में अंकल ज्यादा दे रहे हैं। क्वांटिटी बहुत है, ये 1000 ml का बॉक्स खिलाते हैं। अंकल क्वांटिटी वाकई में ज्यादा दे रहे हैं प्राइसेस के हिसाब से, और नीटनेस जो है वो काफी ज्यादा है। अंकल नीट मतलब बहुत ज्यादा साफ सुथरे तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा गंदा या फिर चीजें वगैरह, तो साफ है। तो अंकल जिस तरीके से काट रहे हैं बड़े मजे से। हाँ, अब बस ऐसा ना रो रही हो बर्फ। अच्छा, अंकल ने पहले से ये रेडी करके रखी हुई थी गाजर, तो उन्होंने ये ऐड कर दिए इसमें। कैबेज ऐड कर दिए अभी। अब इसमें जा रहे हैं सॉसेस,
अब इसमें अंकल ऐड करें जिन्होंने अपना सॉस एक रेडी करके रखा हुआ है वो। अंकल ये बेसिकली किस चीज का सॉस होता है? ये एक साबुत मिर्च जाती है सूखी हुई तालार की। अच्छा, तालार मिर्च जो होती है उसको हम और उसको ग्रैंड पका के बॉईल करके ग्राइंड करके फिर उसके साथ प्याज अदरक लहसुन सरका वगैरह मिला के हम एक सॉस बनाते हैं। उस सॉस को जो है ना मैं तैयार करता हूँ हर खाने में डालने के लिए। ये शेजवान सॉस भी कहलाता है, हर आदमी का एक अपना स्टाइल होता है पकाने का, तो मैं अपना शेजवान सॉस ये इस्तेमाल करता हूँ ज्यादातर फ्लेवर के लिए। ठीक है, बेसिकली अंकल का इसी चीज का टेस्ट होगा ये। ये वाइट पेपर है जो ओरिजिनल का अपने घर से पीस का मॉडल है। जो है मसालों का और जो सॉसेज होते हैं असल टेस्ट होता ही उन्हीं का, जो एक जायका पसंद जो हमें आता है वो इसी वजह से आता है। तो अंकल इसमें राइस ऐड कर रहे हैं तो फाइनली बस रेडी होने ही वाले हैं आई थिंक। तो फाइनली बस हमारे ये राइस रेडी होने वाले हैं। 300 का ये बॉक्स है जो हम लोगों ने सिंगापुरियन राइस लिया, वो भी 300 का बॉक्स है और ये भी 300 का बॉक्स है और क्वांटिटी अंकल अच्छी दे रहे हैं। 300 के हिसाब से क्वांटिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि अक्सर हमने बहुत जगहों से खाया है और वो प्लेटर बहुत साइजेस वाले होते हैं 600, 700, 800, 800, लेकिन उसमें प्लेटर इतना कोई अच्छा नहीं होता, खास नहीं होता, लेकिन इसमें इनकी प्राइस भी एक तो कम है और ऊपर से ये क्वांटिटी भी ज्यादा हमें दे रहे हैं। ठीक है अंकल, थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजे का आपने बनाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चले, ठीक है, ओके अंकल, अल्लाह हाफिज़।